स्वागत है दोस्त हमारे YouTube चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज के वीडियो में हम केबल कितने तरह का होता है इसको हम एक तो वोल्टेज के बेस पे निर्धारित करेंगे और दूसरा कोर के बेस पे। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया दोस्त जिसमें मैंने कितने तरह का केबल होता है कोर के बेस पे जो लो वोल्टेज में यूज होता है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम वोल्टेज के बेस पे देख लेते हैं कि कितने तरह का केबल यूज होता है। पहला जो केबल होता है उसे हम LV केबल बोलते हैं, यानी जो 1000 से कम वोल्टेज में यूज होने वाला केबल होता है उसे हम LV वोल्टेज बोलते हैं, यानी लो वोल्टेज केबल बोला जाता है। दूसरा जो केबल होता है उसे हम HV केबल बोलते हैं, और यह जो केबल होता है वह 11000 वोल्टेज तक यूज किया जाता है। जैसे कि आप अपने घर के पास देखते हैं जो पोलों में वायर जाता है वह 11 KV का होता है, यानी 11000 वोल्टेज होता है, जिसे ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके डोमेस्टिक तक यानी घर तक सप्लाई 440 वोल्ट दी जाती है। उसके बाद जो तीसरा आता है उसे हम SV वोल्टेज केबल बोलते हैं, यानी सुपर वोल्टेज बोला जाता है, और ये जो केबल होता है वह 22000 वोल्टेज से लेकर के 33000 वोल्टेज के बीच में यूज किया जाता है, 22 KV से लेकर के 33 KV के बीच में यूज किया जाता है। चौथा जो केबल होता है उसे हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं, यानी EHV बोला जाता है, और यह जो केबल होता है वह 66 KV तक यूज किया जाता है, यानी 66000 KV। पांचवा जो है इसे हम एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज बोला जाता है, यानी ESHV बोला जाता है, और यह जो केबल होता है 132 KV से ऊपर यूज किया जाता है। इसके बाद अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि कोर के बेस पे अगर देखा जाए तो कितने तरह का केबल यूज किया जाता है। पहला जो केबल होता है दोस्त उसे हम सिंगल कोर कहते हैं, जिसमें मात्र एक ही वायर होता है। या तो हम उसमें फेज दे सकते हैं या हम उसमें सिर्फ न्यूट्रल दे सकते हैं, इसलिए दोस्त इसे सिंगल कोर कहा जाता है। उसके बाद जो केबल होता है उसे हम डबल कोर कहते हैं या ट्विन कोर भी कहा जाता है। इसमें हम फेज दे सकते हैं और न्यूट्रल दे सकते हैं, या इसके बजाय दोनों वायर में दोनों फेज हम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्त जो तीसरा आता है उसे हम 3 कोर केबल कहते हैं, और इसमें हम R, Y और B तीनों फेज का सप्लाई दिया जाता है। ज़्यादातर यह केबल मोटर कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्त जो चौथा आपको दिखाई दे रहा है वह 3.5 कोर केबल कहलाता है। 3.5 कोर जो केबल होता है दोस्त यह ऐसा केबल होता है जिसमें R, Y, B और एक होता है न्यूट्रल, या लेकिन अंतर ये होता है कि R, Y, B तीनों जो फेज होता है इन सभी का थिकनेस यानी जो मोटाई होता है वह सेम होता है, लेकिन जो न्यूट्रल वायर होता है वह तीनों में से एक फेज के हाफ होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें जो केबल यूज किया गया है वह 16 square mm का है, तो तीनों जो फेज होगा वह 16 square mm का होगा, लेकिन जो न्यूट्रल होगा वह 8 square mm का होगा। तो इसलिए दोस्त क्या होता है कि तीनों जो एक थिकनेस में होता है इसलिए हम 3 कोर कहते हैं, और जो न्यूट्रल वायर होता है इसका आधा होता है यानी 16 का 8 square mm होता है, इसलिए हम इसे 3.5 कोर कहते हैं। इसको आप अगले स्लाइड में देख सकते हैं। और पांचों जो केबल होता है उसे हम 4 कोर केबल कहते हैं, जिसमें चारों जो केबल होती है उनकी थिकनेस सेम होती है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जो सिंगल कोर का केबल होता है सिर्फ उसमें एक ही वायर होता है, चाहे ये सॉलिड हो सकता है या स्टैंडर्ड हो सकता है। दूसरा जो केबल होता है उसे हम 2 कोर केबल कहते हैं, जिसमें दो आपको वायर दिखाई देगा, उसमें हम ये तो फेज दे सकते हैं या न्यूट्रल दे सकते हैं। और तीसरा जो केबल होता है उसे हम 3 कोर कहते हैं, जिसमें R, Y और B तीनों फेज होता है, यानी इसमें हम तीनों फेज की सप्लाई देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद वाला जो 4th नंबर पे आता है उसे हम 3.5 कोर केबल कहते हैं, जिसमें प्रत्येक जो केबल का थिकनेस है वह 25 square mm है, लेकिन जो न्यूट्रल वाला है वह 12.5 square mm है, इसलिए इसे हम 3.5 कोर केबल कहते हैं। के बाद वाला जो केबल है वो आपका 4 कोर केबल कहलाता है, जिसमें चारों केबल का जो थिकनेस होती है वह सेम होता है, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपको वोल्टेज के बेस पे और कोर के बेस पे कितने तरह का केबल होता है इसकी आपको जानकारी लग गई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।